Three siblings from Pakistan who had been living with their family in Ajmer city of Rajasthan for the last 15 years were granted Indian citizenship under the Citizenship Amendment Act on Friday. According to district officials, the three fulfilled all the required criteria to be granted Indian citizenship. तीन लोगों को नागरिकता मिली है, महेश, दिनेश और नीलकमल को। इनके माता जयपुर निवासी थी, बाद में शादी होने पाकिस्तान चले गए थे और निश्चित अवधि पूरी करने के बाद, योग्यता पूरी करने के बाद इन्हें भारत सरकार के अधिनियम के तहत नागरिकता मिली है, जो गृह विभाग ग्रुप 4 से आज जयपुर से हमें प्राप्त हुए। Their mother, Rama Devi, moved to Pakistan after her marriage 45 years ago before returning back to India with her entire family. कितने सालों बाद नागरिकता मिली? ये 20-21 साल के बाद मिली है। आपकी शादी कहाँ हुई थी? मेरी शादी यहीं हुई थी अजमेर में। पाकिस्तान में बाद में गई हूँ मैं शादी के 3 साल बाद। कितने साल पहले? मेरे को गए को 45 साल हो गए। पहले बच्चे आते थे उस समय लेके चले जाते थे? अभी नहीं, मैं खुद आती थी पूरी फैमिली के साथ, मेरी सारी फैमिली यहीं पे है। Rama Devi's late husband, her eldest son and 3 daughters were granted citizenship of India in 2019. 2001 से इंडिया में आया था और अब तक यहाँ निवास कर रहा। आपके जब माता पिता थे वो कहाँ के थे? माता पिता भाई बहन, तो माता इंडियन है और पाकिस्तानी पापा हैं। शादी कितने साल पहले हुई थी? 45 साल पहले। आज आप कौन कौन से भाइयों को नागरिकता दी है? दिनेश को, महेश को और छोटी बहन को नील कुमार। अच्छा, तीनों को इससे पहले किसको मिली आपके? इससे पहले 2019 में हमारे परिवार के सदस्य, मेरे 4 बहनें, मैं, पिताजी और माता जी। The CAA law was passed in 2019 to grant Indian citizenship to religious minorities from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan who arrived in India before December 31st, 2014.